नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज हम बात करेंगे चेक के मुकदमे में अभियुक्त से जज साहब कब पूछताछ करेंगे, जज साहब क्या पूछेंगे और आपको जज साहब के प्रश्नों का क्या उत्तर देना है। कुल मिलाकर बात यह है कि आपका कोई चेक का मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, आप लंबे समय से पैसे भी जा रहे हो, आपके मित्र को, वकील साहब को, सबको बता रहे हो कि सामने वाले ने किस प्रकार आपके चेक का फर्जी उपयोग किया है, उसमें ज्यादा अमाउंट भर दिया है, काले चेक का उपयोग किया है, आप पैसा दे चुके हो, सबको आपने बता दिया। क्या आपने जज साहब को बताया कि सर नहीं बताया, कभी मौका ही नहीं मिला? तो क्या कानून में आपको जज साहब को आपकी बात बताने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोर्ट जाते हैं, सिग्नेचर किए, वकील साहब से मिले, वापस आ जाते हैं, अपनी बात जिस अधिकारी को फैसला करना है उसको नहीं बता पाते। मगर कोर्ट में इसका प्रावधान है कि जज साहब आपसे पूछेंगे कि वास्तव में क्या हुआ था, किस प्रकार से आपका चेक उस व्यक्ति के पास गया, कितने पैसे उसने दिए, कितने पैसे आप दे चुके हो, उसने गलत उपयोग कैसे किया, ये सारी बातें आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि जज साहब आखिर कब पूछेंगे, यानी कि आपका चेक का मुकदमा लंबे समय से चल रहा है और आपसे जज साहब ने कभी पूछा ही नहीं। पूछने का मतलब ये है कि जज साहब रिटर्न में लिखेंगे तो वो कब लिखेंगे अपनी फाइल में, क्योंकि जज साहब ने एक बार पूछ लिया, आपसे बात कर ली, कल उनकी बदली होगी, दूसरी जगह चले गए तो फिर दूसरा अधिकारी आएगा तो वो तो फाइल देख के फैसला करेगा, तो आपके स्टेटमेंट फाइल में कब लिखे जाएंगे ये इस वीडियो में बताता हूं। तो कब लिखे जाएंगे, देखो सबसे पहले तो आपका जो मुकदमा जिस व्यक्ति ने किया है उसने परिवाद पेश किया, फिर उसकी जांच हुई, फिर क्या हुआ, आप पर सम्मन आया या वारंट आया, ठीक है, या अवेलेबल वारंट गिरफ्तार, फिर आपने जमानत करा दी, जमानत कराते यहां से आपकी एंट्री होती है। अब आपकी एंट्री होगी, फिर क्या किया उसने, जो परिवादी है उसने अपना शपथ पत्र पेश किया गवाही का, फिर परिवादी की गवाही हुई आपके वकील साहब ने, उसने उससे जीरह की। अब जीरह करने के बाद परिवादी से पूछेंगे आप कोई और गवाह पेश करना चाहते हो, वो बोलेगा हाँ, तो जी उसके सारे गवाह हो जाएंगे, यानी कि परिवादी के सारे गवाह होने के बाद जज साहब आपसे पूछेंगे, उससे पहले नहीं पूछेंगे, यानी कि आपने जमानत करा दी उसमें आपसे जज साहब कुछ नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो भी वो मौखिक बात है, रिटर्न में कुछ लिखित में नहीं लेंगे। फिर वो जब परिवादी की अपनी गवाह हो जाएगी और कोई गवाह वो पेश करना तो वो भी हो जाएंगे और परिवादी बोल देगा कि अब मुझे कोई गवाह पेश नहीं करना, तब आपसे जज साहब पूछेंगे। तो आपको यह बात तो समझ में आ गई कि जज साहब कब पूछेंगे, यानी कि जब आपने जमानत करा ली है तो उसके बाद कम से कम 5-6 पेशियों बाद आपसे पूछताछ की जाएगी। तो आपके मन में यह बात नहीं रखे कि साहब मैं तो जज साहब से कुछ पूछा ही नहीं, मैं जज साहब से बता ही नहीं पाया, तो कानूनी प्रक्रिया सबको सुना जाएगा उसके बाद ही फैसला हो जाएगा। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई जज साहब कब पूछेंगे, फिर मैं बताता हूं जज साहब आपको क्या पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो वो पूछेंगे आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी उम्र और आपको पता, ठीक है, ये तो हो गया। फिर आपसे पूछेंगे कि जो परिवादी ने जो गवाही दी ना, परिवादी मतलब जिस व्यक्ति ने मुकदमा किया, कि परिवादी ने ये मुकदमा जो आपके ऊपर किया है, आपने उसको ये चेक दिया है, उसने जो लिखा वो पूछेंगे, वो इतनी तारीख को रिटर्न हुआ, इतने रुपए का दिया, इस बैंक का दिया, इस बारे में आपको क्या कहना है, यानी कि जो परिवादी ने परिवाद किया और जो चेक आपने उसके पास है और जो चेक रिटर्न हुआ उसके बारे में आपको क्या कहना, पहला प्रश्न तो आपसे ये पूछेंगे, ठीक है, पहले मैं प्रश्न बता देता हूं। दूसरा प्रश्न, अगर उसने कोई गवाह पेश किया है तो वो गवाह या परिवादी जिसने खुद आपके विरुद्ध गवाह दिए, वो आपके विरुद्ध गवाही क्यों दे रहे हैं, यानी कि परिवादी या गवाह आपके विरुद्ध क्यों बोल रहा है। जज साहब आपसे पूछेंगे कि परिवादी आपके विरुद्ध ये बात क्यों कह रहा है और गवाह आपके विरुद्ध ये बात क्यों कह रहा है, इसका क्या उत्तर देना है ये भी बताऊंगा। फिर पूछेंगे आपसे तीसरा प्रश्न, क्या आप कोर्ट में आपकी तरफ से कोई गवाह पेश करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि कोर्ट आपसे पूछेगी कि आप कोई गवाह पेश करना चाहते हो, तब आपको क्या कहना है। फिर आपसे पूछेगी चौथा प्रश्न, अन्य कोई विशेष बात जो आप कहना चाहते हो, तो
ये जो प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपका चेक उसके पास कैसे गया, जो भी आपका मामला चल रहा है वो इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखवाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो आपने बता दिया। फिर पूछेंगे परिवाद, जो पहला प्रश्न है उसके बारे में आपको क्या कहना है कि साहब परिवाद में जो परिवाद पेश किया है, जो मेरा विरुद्ध जो चेक का मुकदमा लगाया है वो झूठा लगाया है, वो पैसा नहीं मांगता है। फिर पूछेंगे कि परिवादी आपके विरुद्ध बयान क्यों दे रहे हैं और क्या बयान, तो आपको बोलना है कि परिवादी जबरन रुपये ऐंठना चाहता है इसलिए गलत बयान दे रहा है। ठीक है, गलत बयान दे रहा है, गलत चेक का प्रयोग किया तभी तो आप लड़ रहे हो, सही चेक का प्रयोग करते तो आप लड़ते ही क्यों। फिर आपको पूछेंगे आप गवाह पेश करना चाहते हो, तो आपको उसका उत्तर देना है हाँ। अगर आप बोल दोगे मुझे गवाह पेश नहीं करना तो मुकदमा फिर बेस में चला जाएगा और फैसला हो जाएगा, तो आपको क्या बोलना है, मैं भी गवाह पेश करना चाहता हूं। फिर वो पूछेंगे आपसे कि विशेष कथन क्या, आपको क्या कहना है। ठीक है ना, अब विशेष कथन के बारे में बता दूं तो शुरू से मैं बताता रहता हूं, आप जो चेक का मुकदमा लड़ रहे हैं अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा मुकदमा तो वकील साहब लड़ रहे हैं और जिससे मैं जीत जाऊंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मुकदमा लड़ने के लिए वकील साहब के साथ साथ आपको भी लगना पड़ेगा। ठीक है, वो जमाने गए तो केवल वकील साहब ही लड़ते, पहला काम तो हो गया। दूसरा, आपको ये जो मुकदमा जो आपके ऊपर लगा है उसको किस प्रकार से जीतनी है, इसकी आपको इस प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं पर योजना बनानी पड़ेगी। अब आप क्या योजना बनाते हो, आपका चेक उसके पास कैसे गया, किस प्रकार से उसने गलत उपयोग किया, कैसे नोटिस का आपने क्या जवाब दिया, क्या आपने थाने में रिपोर्ट दी या गलत चेक उसने बैंक में पेश किया उसमें आपने कोई रिपोर्ट पेश की, ये सारी योजना इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। आप देखें कि चेक का मुकदमा जीतने के लिए आपके पास क्या योजना है, कुछ भी योजना नहीं, जाके खड़े हो रहे हो सिग्नेचर कर रहे हो तो आपका जीतने के चांस बहुत ही कम है। यानी कि आप आपके वकील साहब से पूछिए कि हमें अपने मुकदमे को जीतने के लिए हमारे पास क्या योजना है, किस प्रकार से हम इस चेक के मुकदमे को जीतेंगे। ठीक है, सिर्फ मना करने से कि मैंने तो खाली दे दिया, सिग्नेचर वाला दे दिया, उसने भर के पेश कर दिया, इससे कोई जीतने के चांस बहुत कम है। तो आपके पास एक पक्की योजना होनी चाहिए, क्या क्या योजना होनी चाहिए इस पर मैं विस्तार से इस वीडियो में नहीं बताकर, मैंने अलग से वीडियो बना रखा है उसको आप देखें। उसके साथ आपके मन में कोई डाउट है तो मैंने नंबर देख रखे 8619876831, इस नंबर पर आप मुझसे सलाह भी ले सकते हैं। ठीक है, अब आपने जो योजना बनाई है, जैसा पूछेंगे आपको कोई विशेष बात बतानी है क्या, तो वो योजना आपको बतानी है। जैसे कि आप पैसा दे चुके हो और उसके पास चेक रह गया, तो साहब मैं जब उसको पैसा दे चुका हूँ, मेरा चेक उसके पास रह गया जिसका उसने गलत उपयोग किया है, इस बारे में मैंने उसको नोटिस भी दिया है, इस बारे में मैंने उसको थाने में मुकदमा भी उसके विरुद्ध दर्ज कराया है, या मेरे जो सिग्नेचर है मैंने नहीं किए, डुप्लीकेट उसने किए, इस बारे में ये बात बतानी, या आपने कि मैंने साहब इस व्यक्ति से पैसा लिया ही नहीं, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा लिया, उस व्यक्ति ने इसको चेक दे दिया और इसको मैं जानता तक नहीं हूं और इसने मेरे चेक का गलत उपयोग किया, वो बात बतानी। यानी कि जो भी आपकी योजना है वो योजना यहाँ बतानी और जब साहब उसको लिखेंगे और आपके सिग्नेचर भी कराएंगे और वो भी सिग्नेचर करके पत्रावली में लगाएंगे, ताकि कल को उनका ट्रांसफर वो भी हो जाता है तो दूसरा जो आने वाला न्यायाधीश है वो उसको पढ़ सके कि वास्तव में इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। यानी कि आपको सुने बिना आपके विरुद्ध में फैसला नहीं होगा, तो जब आपको सुना जा रहा है तो आपको सही सही उत्तर देना है और जो उत्तर देना है उसकी पहले से तैयारी कर लेनी है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं मैं तो सबके लिए बता रहा हूं, आपकी योजना क्या है, आप किस प्रकार से मुकदमा जीतेंगे ये तो आप जानते हैं, या आपके वकील साहब ने आपको कोई प्लान बता रखा होगा कि हमारे पास ये तो गवाह है, इस गवाह को इस समय पेश करेंगे, ये हमारे पास दस्तावेज है, ये हमने नोटिस का जवाब दिया है, या सिग्नेचर आपके नहीं मिल रहे हैं, या आपने चेक आपने नहीं भरा, इस बारे में हमारे पास कोई पॉइंट है, या तारीख के संबंध में कोई पॉइंट है, या आपके पास कोई ऐसी रसीद है, या उसका कोई सामने वाला कोई लिखा पड़ी हुई है, जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट को आपको बताना पड़ेगा, उस संबंध में ही आपको मुकदमा लड़ना पड़ेगा। तो ये विशेष उत्तर का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर क्या है इसमें जो आपने बोला, ये तो उत्तर हो गया कि मैं भी अपनी तरफ से गवाह पेश करना चाहता हूं, तो गवाह में किसको पेश करेंगे, एक तो आप खुद हो गए, आपके खुद, तो उसमें क्या होगा कि आपके बयान होंगे, सामने वाला जीरा करेगा, सामने वाला मतलब परिवादी का वकील, तो उसमें भी आपको तैयारी करनी है आपके वकील साहब के साथ बैठकर और मिलकर।
कि साहब मुझे क्या क्या बोलना है, तो आपको जो भी बोलना है आपको पहले से आपको तैयार रहनी चाहिए। वकील साहब को बोलिए क्या वो प्रश्न उत्तर लिख के आपको दे देगी, वो सामने वाले वकील साहब क्या पूछेंगे तो आपको क्या उत्तर देना है। जैसे वकील साहब पूछेंगे कि आपके आपने चेक दिया है तो आपको उसका क्या उत्तर देना है, आपकी सिग्नेचर आपकी है क्या तो उसका उत्तर क्या देना है, तारीख यही है तो उसका क्या उत्तर देना है, आपने नोटिस का जवाब दिया या नहीं दिया तो उसका क्या उत्तर देना है, यानी कि जो भी सामने वाले वकील साहब पूछेंगे उसका आपको क्या उत्तर देना है यह आपको पहले से तैयारी करनी है। आप खुद गवाह जा रहे हो, अब मान लो आपने किसी अन्य व्यक्ति को लगाया गवाह आपकी तरफ से जिसके सामने कोई पैसा लेन देन हुआ हो, या आपने कोई बैंक में उसके पैसे जमा करा दिए हो, या किसी के सामने पैसे दिए हो, या किसी के सामने चेक दिया हो जो खाली चेक दिया हो, तो उस व्यक्ति को भी आप गवाह पेश करेंगे तो वो व्यक्ति तो एक प्रकार से अनोन है, उसके क्या रोज थोड़ी काम पड़ते हैं। तो आपके वकील साहब उससे क्या प्रश्न पूछेंगे और सामने वाले वकील साहब जीरा में क्या प्रश्न पूछेंगे, ये उससे पेशी से 10 दिन पहले वकील साहब से जाकर लिखवा कर आप ले लीजिए। तो मोटा मोटा वही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई अनोखा प्रश्न आ जाए, जो प्रश्न वो लिख के देंगे वकील साहब वो 90% प्रश्न वही होंगे, ताकि वो व्यक्ति बार बार उसको पढ़ सके और उसका उत्तर भी दे सके। यानी कि आप पेशी के दिन ही गवाह लेके गए, 5 मिनट मिला वकील साहब ने सीधा कोर्ट में ले जाकर खड़ा कर दिया, तो सामने वाले ने क्या पूछा तो फिर मामला सारा हड़बड़ा जाएगा। यानी कि जो आपका गवाह कह रहा है आप कह रहे हो उसमें कुछ समानता होनी चाहिए, आप क्या कह रहे हो वो क्या कह रहा है, मामला गिर बैठा, आपके गवाह आपको ही डुबो देंगे। जो भी आप गवाह पेश करें, जो भी दस्तावेज पेश करें, उन दस्तावेज की सामने वाले वकील साहब को फोटोकॉपी देनी पड़ती है, वो भी आप पहले निकलवा लें। सामने वाले जो जिस व्यक्ति ने और भी कई लोगों पर चेक के मुकदमे करेंगे उसके डॉक्यूमेंट आप निकालिए, उसके भी डॉक्यूमेंट अपनी गवाह में पेश कीजिए, या सामने वाले व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के साथ पहले भी कोई दूसरा मुकदमा किया हो तो उसका भी डॉक्यूमेंट निकालिए पेश कीजिए। यानी कि आप आपकी गवाही को पूर्ण रूप से मजबूत रूप से करके पेश करना है। जब आपकी गवाही पूरी हो जाएगी तब फाइल जाएगी बस में, और बस के बाद होगा निर्णय। तो आपको भी इस चेक के संबंध में किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार मैं तो सिर्फ पेशी पे जा रहा हूँ आ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और सामने वाले ने 50,000 की जगह 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख बढ़ दिए, और आप मानसिक टेंशन में आ रहे, तो आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं। आप अगर सच्चे हैं सही है तो आप दिमाग में सिर्फ ये बात बिठा लेते हैं कि मैंने तो चेक दे दिया, बहुत अपराध कर दिया, अब तो मुझे सजा से कोई बचा नहीं सकता, तो आप गलत सोचते हैं। आप जब आपने चेक दिया और सामने वाले ने उसका दुरुपयोग किया है तो अपराध तो उसने भी किया है, बस आपको ढंग से लड़कर उसको सजा दिलानी है, और आप जो सही बात है वो कोर्ट के सामने लानी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको गलत बात, या आपने किसी से पैसा ले लिया और आप पैसा नहीं दो, ये बात नहीं बोलूँ। आपके विरुद्ध किसी ने अपराध किया है, आपके चेक का दुरुपयोग किया है, फिर आप छुट्टे बैठे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो मुकदमा जीतने के चांस कम है। आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है कि मैं इस मुकदमे में क्या प्लान बनाऊँ, किस प्रकार लड़ूँ, ये नंबर दे रखे हैं। अब मेरे जो बात करते हैं, आप जो मेरे फोन करोगे तो फोन करने से पहले आपको गौशाला में 500 रुपये दान कर, ये मेरी फीस है, ठीक है, 500 रुपये दान करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, मेरी तरफ से आपको कॉल कर दूंगा और जो भी सलाह हो दे दूंगा। आपके किसी मित्र के भी कोई चेक का मुकदमा चल रहा है और वो भी परेशान हो रहा है, ये वीडियो उसको फॉरवर्ड कर दे, ताकि वो हो सकता है मेरे से बात करे और गौशाला में पैसा डाले, ताकि उसके भी धार्मिक कार्य हो सके। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।